गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंपर्क अभियान कर लोगों से मुलाकात की। सिख समुदाय के लोग से सीएम ने मुलाकात की और इस मौके पर योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल में विकास हुआ है। सीएम योगी फिर से एक बार यूपी में जीतने का दावा कर रहे हैं। कहा कि यूपी में हर कोई अब सुरक्षित महसूस कर रहा है, उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर अब बदली है। सहयोगी अरशद जमाल का, अरशद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री हैं, सिख समुदाय के लोगों से मिले, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार फिर लौटेगी क्योंकि विकास दिखता है, कैसे देखते हैं आप पूरे दौरे को? देखिए, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा जाए डोर टू डोर संवाद किए और काफी संख्या में लोग पहुंचे और खास करके सिख समुदाय के लोगों और गुरुद्वारा भी के पास पहुंचे, गुरुद्वारा के समिति के लोगों से बातचीत की और खास करके उस कॉलोनी में पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेन किया और उन छोटे बच्चों और महिलाओं और लोगों से बातचीत की। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि हम आने वाले वक्त में और भी डेवलपमेंट करेंगे और भी चीजें को सुधारेंगे और आप लोग जिस तरह से अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आने वाले वक्त में भी सुरक्षित महसूस करेंगे, हम उसका वादा करें। और आप लोग, उन्होंने इस बात का जोर दिया, लोगों से जिस तरह से बात की उन्होंने कहा कि आप लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं, डबल इंजन की सरकार बनाने में काफी फायदा है। उसका उन्होंने किया कि किस तरह से डेवलपमेंट में आसानियां होती हैं, ऐसे में लोगों के साथ खास करके उन छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ भी संवाद किया मुख्यमंत्री ने। जी बेशक अर्शद, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, संवाद के साथ साथ हमने देखा कि कल नामांकन की अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद थे और कहीं ना कहीं इस बात का बार बार बात कही जा रही है कि इस बार भी 300 के पार रहेंगे। क्या कुछ जनता का मन है इस वक्त अगर गोरखपुर की बात की जाए? उन्होंने नामांकन किया और खुद इस नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, ये इस बात का इंडिकेट है कि एकजुटता के साथ और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश भरने की कोशिश की गई। जिस तरह से गृह मंत्री सीएम के नामांकन में पहुंचते हैं और जिस तरह से कहा जाए कि भारी संख्या में वहां कार्यकर्ता सम्मेलन एक किया गया और उस सम्मेलन में काफी संख्या में लोग पहुंचे और उस सम्मेलन के जरिए इस बात का इंडिकेशन दिया गया कि आने वाले वक्त में जो चुनाव है उस चुनाव में कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के पदाधिकारी से लेकर विधायक या सांसद सभी लोग एकजुटता के साथ पूरी मेहनत के साथ पर उतरे और सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को लोगों तक डोर टू डोर पहुंचाएं। बेशक अर्शद, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बीच हम एक बार दर्शकों को सुनाते हैं क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस पूरे कार्यक्रम को उत्साह और उमंग के साथ हम लोगों को एक एक व्यक्ति को एक एक घर को जोड़ करके जहां पर विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश के माध्यम से आगे बढ़ाना है, वहीं इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि मताधिकार हम सबका संविधान प्रदत्त एक अधिकार है, हम इसका प्रयोग जरूर करें। व्यक्ति भोजन करने में लेट कर सकता है, लापरवाही कर सकता है, लेकिन याद रखना कभी भी अपने संविधान प्रदत्त इस अधिकार को समय से प्रयोग करने में कभी भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अर्शद, सुना आपने किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश देने की कोशिश की कि मत अधिकार का जिस तरह से उपयोग है वो करना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं।